प्रथम तहलका न्यूज। आज यानी 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, जो कि भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। देवी दुर्गा की पूजा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भगवान श्री राम ने भी विजय की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की उपासना की थी। इसी आधार पर आज भी मां दुर्गा की पूजा संपूर्ण देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ की जाती है। वहीं हरिद्वार में भी भगवती के सिद्ध पीठों की चर्चा पौराणिक कथाओं में है। कहा जाता है कि 52 शक्ति पीठों की शुरुआत हरिद्वार से ही हुई थी। माता के प्रसिद्ध मंदिर सिद्धपीठ मां माया देवी मंदिर में माता की पूजा करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी और 52 शक्ति पीठों में से एक माया देवी मंदिर नवरात्रों के पहले दिन श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु सुबह से ही माता के मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रीतिका शर्मा, हम तो ये लोकल ही रहते हैं, हम तो हमेशा आते हैं, दर्शनों को वैसे भी आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। माँ की एक विशेष महत्ता रहती है, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हम तो लोकल हैं, वैसे भी आते रहते हैं, और नवरात्रों में तो 8 दिन आते हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का कहना था कि उन्हें दर्शन करके बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अभी हमने जो भी मांगा है, माँ माया देवी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मुकेश शर्मा, कैसा लगा दर्शन करके नवरात्रि शुरू? बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। क्या महत्ता इस मंदिर की? प्राचीन मंदिर है ये, और सदियों से इसकी बहुत महत्ता चली आ रही है। जैसे हम अपने पूर्वजों से फादर वगैरह सुनते थे। नवरात्रों में किस तरह की सजावट है, किस तरह से मंदिर को सजाया गया है, कैसा लगा दर्शन? बहुत सुंदर सजावट है, दर्शन करके बहुत मन को सुकून मिलता है, माँ सारी मुरादें पूरे करती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा का विधान है। चैत्र मास में आने वाले इन नवरात्र को चैत्र नवरात्र भी कहा जाता है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए हरिद्वार के मंदिरों को सजाया गया है। लोगों ने घरों में मां भगवती की स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू कर दी है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।